उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यहां उत्तराखंड की खबरों से हम आपका वास्ता करवाते हैं। पहली खबर, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गई है। इसी के साथ ही आचार संहिता भी आपको बता दें कि लागू कर दी गई है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव की तारीख घोषित करने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा परिसर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आचार संहिता लगने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में पूरे मनोयोग से अपनी विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के विकास और विधानसभा की कार्यवाही और गतिविधियों को संचालित किया है। अग्रवाल ने भगवान से कामना की है कि कोरोना संक्रमण काल में चुनाव सफलतापूर्ण संचालित हो सके। तो आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन ने 3:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तारीखें उन्होंने स्पष्ट की हैं। इसी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा समेत आपको बता दें कि ये जितने राज्य हैं यहां पर चुनावों की तारीखें उन्होंने तय कर दी हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे जहां उत्तर प्रदेश में, वहीं उत्तराखंड की हम बात करें तो 14 फरवरी एक चरण का चुनाव है। 14 फरवरी ये तारीख निर्धारित कर दी गई है जिस दिन उत्तराखंड में भी वोटिंग होगी। इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको बता दें कि 10 मार्च को इसकी जो परिणाम है वो सामने आएंगे। तो उत्तराखंड समेत 5 राज्यों की चुनावी घोषणा, इसके बाद क्या कुछ वक्तव्य आ रहे हैं, क्या कुछ बड़े नेता कह रहे हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव की तारीख घोषित करने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं। आचार संहिता लागू है, आप देख रहे हैं सुबह से मैं लगातार अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं वहाँ मैंने उनके अनेकों शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। अनेकों क्षेत्रों में चाहे वो RES की द्वारा स्कूलों में योजनाओं का शिलान्यास की बात हो, चाहे मेरी विधायक निधि की घोषणा और प्लस उसके लोकार्पण की बात हो, और चाहे फिर पुरुष सैनिकों के साथ बैठने की बात हो, और चाहे उससे पहले फिर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब मनाने की बात हो और उसमें फिर चेक देने की बात हो, या उससे पहले मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर मंदिर में जाके प्रार्थना अर्चना करने की बात हो, और अभी मैं इस समय विधानसभा में खड़ा हूँ। अब आप देखिए विधानसभा में मैंने यहाँ का जो बहुउद्देशीय भवन बनने की जो कार्य है उसका भी शिलान्यास किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर मंत्री धन सिंह रावत ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ काम जनता के लिए किया होता तो आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मंत्री की तरफ से पिछले 5 साल के कार्यकाल में केवल जनता को ठगने का काम किया गया है, और अब जब चुनाव सर पर हैं तो मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांगने का काम जारी है। नहीं है तो दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे वो, ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो चुनाव होते होते कि गणेश गोदियाल के नाम से अपने लिए वोट मांगे, ऐसा भी हो सकता है। गदरपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार ना देकर बिहार से कई लोगों को लाकर उनको नौकरी देने का कार्य किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि विधायक निधि का दुरुपयोग भी किया गया है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है पर कार्य दिखाया गया है। तो रुद्रपुर में सुमित्र भुल्लर ने प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार ना देकर बिहार से कई लोगों को यहां पर लाए और यहां पर उनको नौकरी देने का कार्य किया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी विधायक निधि का भी दुरुपयोग किया है। हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी सड़कें खराब क्यों हैं। हम मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानों का बजट क्यों काटा, गांव के लोगों का जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान जो प्रधान के स्तर पर हो जाता था वो अधिकार गाँव से लोगों से क्यों छीना, पंचायती राज विभाग भी उनके पास है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो रोजगार का अधिकार हमारे उत्तराखंड के लोगों का था वो बिहार से लाकर लोगों को रोजगार क्यों दिया, क्या हमारे उत्तराखंडी योग्य नहीं है, क्या हमारे उत्तराखंडी शिक्षित नहीं है, क्या उत्तराखंड के लोग लायक नहीं है।
हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री कांग्रेस की सरकारें लगा करके गई थी, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उन रोजगार छीनने का काम सरकार ने, मंत्री जी ने क्यों किया? क्यों नहीं उन फैक्ट्रियों को रोकने का काम किया गया? क्यों श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया गया, जिसके चलते आज की डेट में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री मालिक जब चाहें अपनी फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं और श्रमिकों के अधिकारों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लगातार दर्जनों फैक्ट्री के कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, उनको लगातार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार बढ़ रहे कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए नई एसओपी जारी कर दी गई है। नई एसओपी के तहत राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर 16 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकार की नई एसओपी जारी होने से खटीमा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 जनवरी को आयोजित हो रहे SC ST महासम्मेलन पर रोक लग गई है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर कोरोना को लेकर जारी की गई एसओपी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दस तारीख को कांग्रेस ने SC ST सम्मेलन रखा था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमारी सरकार ने कोविड सब कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, तो हम सब लोगों ने उस कार्यक्रम को आप लोगों के माध्यम से अपने साथियों को सूचना देना चाह रहे हैं कि उस कार्यक्रम को हमने निरस्त कर दिया है। और ये कहना चाहते हैं कि कोविड जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा था, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख को ही ले लेना चाहिए, लेकिन अपनी रैलियाँ करने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जो है 7 तारीख तक उसको खींचा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कि 10 तारीख का कार्यक्रम अचानक 4 तारीख के 7 तारीख को करके 7 तारीख को शाम को इसको लगा दिया। उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और बारिश हुई है, जिसके चलते कहीं रास्ता बाधित हुआ है तो कहीं तेज बारिश के चलते जल भराव की समस्या भी हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में कल रात से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है। आपके सामने ये सभी तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी से तस्वीर है, ऋषिकेश से तस्वीर है, चमोली से है, नैनीताल से है, पौड़ी से है, मंगलौर से है, रुड़की से है, रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कल रात से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही निचले इलाकों में तेज बर्फीली सर्द हवाओं ने भी जबरदस्त शीतलहर पैदा कर दी है। इसी के साथ ही अब लोगों ने अलाव का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। तो ये 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको उत्तराखंड का हाल दिखा रहे हैं, जहाँ ज़मीनी क्षेत्रों पे जहाँ सर्द हवाएं चल रही हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं किस कदर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए, बर्फ़ से पूरा ढका हुआ उत्तरकाशी पूरा सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढका हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरता हुआ दिख रहा है। वहीं चमोली की बात करें तो यहाँ भी मौसम देखने में ही कितना सर्द होगा ये पता चलता है। नैनीताल में भी झमाझम बारिश के चलते अब तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। पौड़ी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, मंगलौर की तस्वीर देखिए, मंगलौर में किस कदर पानी जो है सड़कों पर भी जमा हो गया है, जल जमाव की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। रुड़की जो ज़मीनी इलाका है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस कदर सड़कें जो हैं वो गीली रेतीली हो चुकी हैं और किस कदर वहाँ पर भी बारिश के बाद का माहौल जो है वो तापमान में किस कदर गिरावट को सीधे तौर पर दर्शा रहा है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग पे किस कदर सफ़ेद बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर दिखा रही है कि किस कदर वहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा माहौल सफ़ेद चादर में ढका हुआ नज़र आ रहा है। तो सीमांत में सर्दी का प्रकोप है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आज के उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रही हैं, जहां पर किस कदर ठंड ने सब कुछ जकड़ लिया है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी से तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तरकाशी की तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से सफ़ेद चादर से सब कुछ ढक चुका है। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए, रुड़की की तस्वीर देखिए, ये ज़मीनी इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अलाव के सहारे लोग ठंड को काबू में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर उत्तराखंड में अब जो तापमान है वो गिर चुका है और गिरे हुए तापमान के चलते लोगों को अब ठंड से दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं। पौड़ी की तस्वीर है, मंगलौर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, ये 8 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में अब सर्दी जो है वो इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का अब घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। ऐसे में लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों की तस्वीरें हैं, जहां पर अब बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक दिया है।
इस समय सर व्यवसाय की स्थिति तो थोड़ा आज मार्केट डाउन है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश लगातार हो रही है 24 घंटे से। कुछ कुछ लोग निकल रहे हैं घरों से इमरजेंसी में सामान खरीदने के लिए, लेकिन इतनी रौनक नहीं है बाज़ार में फिलहाल, तो मार्केट आज के हिसाब से तो बहुत डाउन ही है। खाली पड़ी है बाज़ार, देखिए बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल खाली है। तो ऐसे में व्यवसाय की क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो अभी कुछ खास ठीक नहीं है व्यवसाय की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन है, मौसम की वजह से भी है और थोड़ा सा जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है, इस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में फ़र्क पड़ा है। भाई साहब कहाँ से आए आप? जय द्वारका जी, हूँ गुजरात से आया हूँ, जो अहमदाबाद थी यहाँ फरवा माटे। तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छा है यहाँ पर ऋषिकेश में, और बारिश के हिसाब से थोड़ा मौसम भी क्लाइमेट में थोड़े चेंजेस आए हुए हैं। ऊपर हमने सुना है, अभी इंक्वायरी की थी तो बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे, मगर जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि पहाड़ वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। आज सुबह से ही केदारनाथ क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते हुए केदारनाथ में भी हिमपात हुआ है और हिमपात के चलते जो है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्तों में पत्थर आ चुके हैं। आज सुबह से ही बारिश अपने चरम सीमा पर है। केदार घाटी क्षेत्र में सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है। यहाँ पर काफ़ी बारिश के कारण आम जनजीवन परेशान है, आम जनजीवन घरों में रहने को मजबूर है। वहीं पौड़ी में राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सालों से कार्यरत 400 से ज्यादा संविदा और दैनिक कर्मचारियों को सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से ठेके में देने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, जिसके चलते आक्रोशित कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की, लेकिन कोई सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। एक बिंदु था कर्मचारियों का और कुछ पदों पर समाजजनक वेतन वृद्धि की बात चल रही थी। इसी बीच कल 6 तारीख को हमें मालूम चला है कि जो हमारे जिन पदों पे हम लोग काम कर रहे हैं संस्थान में, उन पदों को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो हमारा जो आक्रोश आज यही है कि 12 साल का जो हमने यहाँ सेवा दी है उसका प्रतिफल आप हमें ठेके में जो है नियुक्त करके देना चाह रहे हैं, ये हमारा आक्रोश है। हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग दिक्कत है ना, जैसे कि हम लोगों का जो है, हमारे यहाँ कर्मचारी 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी कई चीज़ें शासन प्रोसेस में है, कई चीज़ें जो है उनको शंका है कि जो है कहीं हमें जो है किसी और उसमें तो नहीं कर रहे, तो उनकी शंका का समाधान यह है कि जो भी प्रोसेस आ रही है वो हमारे जो नए कॉलेजेस हैं प्राथमिकता से उन्हीं के लिए है, और किसी भी तरह की शंका समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऋषिकेश में कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। ऐसे समय में भर्ती की जगह एम्स प्रशासन की एक एजेंसी ने अपने करीब 100 मेडिकल स्टाफ को अचानक नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे नाराज होकर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं हंगामे के बीच समस्या सुनने पहुंची तहसीलदार को भी मेडिकल स्टाफ के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही हंगामे की वजह से ओपीडी पहुंचे मरीजों को भी फजीहत झेलनी पड़ी है। ऋषिकेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऋषिकेश के आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड और एमसीआई सेंटर में अचानक छापेमारी कर दी। इस दौरान मशीनों के जांच के साथ तमाम दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खंगाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे एक रूटीन निरीक्षण बताया। बातचीत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने की बात भी मीडिया को बताई है। हमने आज इस ऋषिकेश के 4 सेंटर्स का अभी तक निरीक्षण कर लिया है, बाकी 2 का हमारा भी निरीक्षण बाकी है। ये रूटीन इंस्पेक्शन थे क्योंकि किसी के रिन्यूअल ख़त्म हो गए थे और किसी ने नई साइट के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो नई मशीन खरीदना चाहते थे, तो हमने बस अभी तक उन्हीं का निरीक्षण किया। और हमारे साथ SGM मैडम है, तो उन्होंने जिन जिनको हमें लगा हमने आगे संस्तुति के लिए भेज दिया, बाकी ऐसी हमें कोई नहीं, अभी ऐसा कोई कमियाँ नहीं पाई गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर
डिफेंस सर्विस एग्जाम यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है इस आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने पाइंस स्थित कैथोलिक सेमेट्री के जीर्णोद्धार कार्य का गहनता से निरीक्षण किया है। इसी के साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थान को पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से हेरिटेज के रूप में विकसित करना सुनिश्चित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नई शाखा का चकलोवा में आज से संचालन हो रहा है। बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष विष्ट ने कहा कि काफी लंबे समय से चकलोवा के लोगों को बैंक की जरूरत थी, उसी के अनुरूप आज बैंक का शुभारंभ हुआ है। बैंक में सरकारी स्कीमों के तहत लोन दिया जाएगा। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना के तहत 1-3 लाख तक का मुफ्त लोन दिया जा रहा है। काफ़ी टाइम से लोगों की मांग थी कि चकलवा में एक बैंक होना चाहिए, इसी के अनुरूप हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैंक द्वारा एक शाखा का शुभारंभ हुआ है। और मैं आम जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन्हें वित्तीय साक्षरता कैंप बैंक द्वारा लगाए जाएंगे और जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें उन्हें लोन दिया जाएगा। चकलवा क्षेत्र के सामान्य जनता के मनोभाव से यहाँ की जितने
छोटे प्रतिनिधि हमारे ग्राम सभा में पंचायत के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों, सम्मानित प्रधान हों, बाकी जो अलग 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 जगह पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबके मनोभाव से कि यहाँ पर एक बैंक होना चाहिए था, इस मनसा का सम्मान करते हुए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने और साथ में कोऑपरेटिव बैंक के हमारे मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी ने चकलवा क्षेत्र में बैंक खोला, ये बहुत महती मुझे लगता है पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है। सतपुली में पूर्व मुख्यमंत्री टीएसआर के गांव सैरासैंण में डोर नागधर देवस्थल मोटर मार्ग के बीच एक पुल का निर्माण कई महीनों से चल रहा है, जिसके कारण पूरा मार्ग ही बंद है। वहीं मार्ग बंद होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके लिए पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री और विधायक सतपाल महाराज, मुख्यमंत्री धामी और लोक निर्माण विभाग को भी कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। जी हमारे यहाँ रोड नहीं है और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, पुल टूट रखा है, इसके कारण हमारे यहाँ रोड नहीं जा पा रही है और हमें वैकल्पिक मार्ग की दिक्कत हो रही है। अगर हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं दिया जाएगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग देवस्थल, डॉन, नगदार तीनों गाँव की पूरी जनता यहाँ पर आई हुई है। हमारा मुख्य मार्ग मोटर मार्ग जो था ये बरसात से एवं पुल निर्माण के कारण बंद हो रखा है, हमें आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, हमें वैकल्पिक मार्ग दिया जाए जब तक कि पुल का निर्माण होता है। और आज हम जो दिनांक 7/1/2022 को यहाँ पर इकट्ठा हो रखे है, वो हम इसलिए हो रखे है कि बरसात के कारण हमारा जो वैकल्पिक मार्ग या बिस्किटी में जो था वो जो है ख़राब हो रखा है और अभी हम लोगों को जो है आने जाने में के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे कि हम लोग जो है बहुत परेशान है। और हमारा जो है काफ़ी लोगों से मतलब हमने जो है बात करी जिसकी किसी ने कोई सुनाई नहीं की। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस कुछ शराब दुकान मालिकों को शायद मंजूर नहीं है, जिसके चलते ये शराब दुकान के मालिक खुलेआम डीएम हरिद्वार के आदेशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं और लगातार शराब की दुकान पर कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं मामला हरिद्वार प्रशासन के आला अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है। अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह शराब दुकान मालिकों के खिलाफ प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। नैनीताल में भी आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि हल्द्वानी में एक युवक ने दो युवतियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी नरेंद्र बिष्ट नाम के युवक ने तल्लीताल निवासी एक सफाईकर्मी के घर में घुसकर उसकी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं युवक की तरफ से उसकी 20 साल की दूसरी बेटी से भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पहाड़ों में लगातार तेंदुए के सड़कों और गांव के नजदीक आने से ग्रामीणों में तेंदुए का डर बना हुआ है। तेंदुए की तरफ से लगातार ग्रामीणों और मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बता दें कि एसएसबी फायरिंग रेंज श्रीनगर धोबी घाट पर दो तेंदुए खुलेआम सड़क पर घूमते दिखाई दिए। ये पहला वाकया नहीं है जब तेंदुए जंगलों से निकलकर सड़क का रुख कर रहे हैं, बल्कि कई बार सड़क गाँव के नजदीक तेंदुओं को देखा जाता रहा है। टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर कोषागार में 2.5 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य कोषागार अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कोषाधिकारी और लेखाकार सहित 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपियों ने मरने वाले पेंशनर्स के डाटा में छेड़छाड़ कर ई कोष पोर्टल पर मृतक पेंशनर को जीवित दिखाया और उनके खाते में अपने और परिचितों के खाते का नंबर जोड़ दिया। बता दें कि आरोपी परिचितों के खाते में आने वाली रकम के बदले उनको कमीशन देते थे।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।